सताखी न्यूज में आपका स्वागत है। वैसे आजकल आपकी चर्चा भाभी जी घर में है, इसमें आपके डायलॉग को लेके काफी हो रही है, और संस्कार मास्टर जी के नाम से, तो वो संस्कार नाम की चीज है कि नहीं, ये आपकी अब तक की जिंदगी का सबसे हाईलाइट लग रहा है, या इसके अलावा भी कोई पहचान बनी आपकी? इसके अलावा मैं नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से ग्रेजुएट हूँ। इसके पहले भी मैंने बहुत काम किए थे, फिल्म सीरियल वगैरह किए थे, लेकिन इस तरह से जो हाईलाइट बोलते हैं भाभी जी में ही हुई है, संस्कारी मास्टर साहब के रूप में। ये यहाँ तक के पड़ाव से पहले थोड़ा सा एक नजर डालेंगे आपकी जिंदगी पे। जी सर, 1975 में झारखंड में, अब पहले बिहार था तो झारखंड स्टेट हो गया, झारखंड जी के हजारीबाग जिला में मेरा जन्म हुआ। गांव में 8वीं क्लास तक की पढ़ाई गांव में हुई। नाइन्थ क्लास में जब हम गए, ये बात है 1990 की, तो मेरे चाचा जी की नौकरी लगी डीएवी पब्लिक स्कूल में, हिंदी के टीचर बने, तो मुझे भी अपने साथ डीएवी स्कूल पढ़ने के लिए ले गए। मैं शायद पहला ऐसा स्टूडेंट हूँ कि आधी पढ़ाई मैंने बिहार बोर्ड, उस समय था बिहार बोर्ड में अगस्त तक की हुई, और उसके बाद सीबीएसई बोर्ड, डीएवी स्कूल सीबीएसई बोर्ड में होता है, तो आधी पढ़ाई बिहार बोर्ड में 9th क्लास की हुई, आधी पढ़ाई सीबीएसई बोर्ड में। फिर 9th और 10th ये 92 में मैट्रिक मैंने किया। उसके बाद 92 में कॉलेज में एडमिशन हुआ रांची में, जो अभी झारखंड की राजधानी है। तो रांची में 92 में इंटरमीडिएट में एडमिशन हुआ। उसके बाद 94 में मैंने डिसाइड किया कि लाइफ में सबको कुछ ना कुछ करना पड़ता है, मैं क्या करूं क्या करूं। बचपन से क्लियर था कि मैं कुछ भी करूंगा, 9 से 5 के जॉब जो होता है नौकरी नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि मेरे स्वभाव मेल नहीं खाता। जी तो 94 में 1994 में मैंने डिसाइड किया कि मुझे एक्टर बनना है। और ये यूं ही नहीं हुआ, मैंने पहली बार जब मंच पे आया था, नाटक किया था, 83 का था, दूसरे क्लास में था, गांव में जो नाटक होता है ना, दशहरा दिवाली टाइप का मेलो ड्रामा, तो जी लगा साल में एक दो नाटक करते रहते थे स्कूल फंक्शन और इस तरह के फंक्शन में, तो मुझे पता नहीं था कि अभिनेता बनना है, लेकिन अच्छा लगता था एक्टिंग करना, अच्छा लगता था। और जब मंच से उतरते थे तो लोग ताली बजाते थे, बोलते थे अरे तुम ही थे, तो अच्छा लगता था, लेकिन ये नहीं पता था कि मैं एक्टर बन जाऊंगा। लेकिन 94 में जब हम कम से कम 3 महीना सोचते रहे, 94 में क्या हुआ कि इंटर का मेरा एग्जाम हुआ और ग्रेजुएशन में एडमिशन हुआ, तो 3-4 महीने खाली रहता है ना रिजल्ट आने में, क्लास होने, तो मैं मंथन 3-4 महीना मंथन किया, यार क्या करूं। तो दिमाग में याद आएगा, अरे यार लोग कहते तुम एक्टिंग भी बहुत अच्छा करते हो, बहुत अच्छे एक्टर हो, तो क्यों ना एक्टर बनना जाए। तो फिर लगा कि एक्टर एक्टर तो बना जाए, लेकिन कैसे बना जाए। तो उसी समय रांची में एक बहुत मतलब पॉपुलर न्यूज पेपर था, अभी भी छपता है, रांची एक्सप्रेस। तो रांची एक्सप्रेस में मैंने एक कॉलम में पढ़ा कि मतलब एक्टर बनने के लिए, फिल्म बॉलीवुड में जाने के लिए, मुंबई जाने के लिए थिएटर करना जरूरी है, नाटक करना जरूरी है। अब समस्या ये था, हाँ समस्या ये थी कि नाटक करे तो कहाँ करे, किसके साथ करे। तो मेरे एक रिश्ते में भगीना लगते हैं, आजकल हजारीबाग में प्रिंसिपल है आनंदा कॉलेज में, पीजी, हाँ, तो उन्होंने मुझे सजेस्ट किया कि एक रंग दर्पण करके ग्रुप है। तो 94 में मैंने नाटक ज्वाइन किया, प्लस आकाशवाणी दूरदर्शन का भी चक्कर लगाया करता था, मुझे लगा कि यहाँ ड्रामा होता है, ड्रामा होता है रेडियो स्टेशन और दूरदर्शन केंद्र रांची में, वो लोग भी हमको बहुत परेशान किया, 6 महीना तक दौड़ाता रहा आ जाओ। तो इस तरह से, हाँ आवाज आ रही, हाँ जी, हाँ, तो मेरी शुरुआत 94 में हुई रांची से, कॉलेज के साथ साथ में थिएटर करता रहा, आकाशवाणी दूरदर्शन से भी किया। उसके बाद मुझे पता चला कि राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा टाइप का भी कोई चीज है दिल्ली में, जहाँ से अच्छे अच्छे अभिनेता निकले हैं, 3 साल का ट्रेनिंग होता है, तो फिर मैं उसके लिए कोशिश करने लगा। लेकिन उसके लिए ग्रेजुएशन चाहिए था, पढ़ाई तो मैं कर ही रहा था, तो फिर दो
2001 में मेरा एनएसडी में सिलेक्शन हुआ, 2004 में पास आउट हुई, उसके बाद मुंबई आ गए। मुंबई आते ही मुझे लगे रहो मुन्ना भाई में काम मिला था। हाँ, उसमें अरसद वारसी के गैंग में 3-4 टपोरी टाइप के लड़के रहते हैं ना। अच्छा, हाँ, तो एक, हाँ, उसके बाद जब विमेट में भी एक टपोरी का रोल मिला था, जो करीना स्टेशन में छूट जाती है, 2-3 टपोरी लड़के उसके। उसके बाद एक बड़ी फिल्म मिली थी उस 2005 में मुझे, राम गोपाल वर्मा सर का, उस समय काफी नाम था, दरवाजा बंद रखो। दरवाजा अच्छा बंद रखो मेरी बड़ी फिल्म थी, पोस्टर वगैरह में भी थे, होर्डिंग में थे, मुंबई में जी पूरे लगा हुआ था। तो 2005 में मैंने वो फिल्म की। उसके बाद 2006-07 के बाद ना, मैं लगभग 6-7 साल के लिए फिर अपने होम टाउन चला गया रांची, फिर से थिएटर अच्छा करने लगे, पर्सनल प्रॉब्लम से। पर्सनल प्रॉब्लम क्या, फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो गया था, झूठ क्या बोले। जी जी तो जी फिर से रांची में जाकर ड्रामा करने लगे, नाटक करने लगे। वो तो झारखंड गवर्नमेंट का एक कला स्कूल था, वहाँ मैं प्रोफेसर हो गया एक्टिंग का। 3-4 साल वहाँ पढ़ाए हैं, एक्टिंग पढ़ाया है मैंने, कम से कम मेरे 5-6 हज़ार स्टूडेंट्स हैं इस देश में ठीक एक्टिंग ओहो का। मैंने बहुत सारे वर्कशॉप किए, एक्टिंग वर्कशॉप किए। फिर उसी बीच में मेरी 2010 में शादी हो गई, तो फिर वाइफ के साथ 2015 में फिर से मैं मुंबई आ गया। अच्छा और फिर मुंबई आया तो जो भाभी जी में तिवारी जी बनते हैं, और उनका नाम रोहितास गौड़ है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ, वो मेरे एनएसडी के सीनियर हैं। तो मैं उनसे मिलने गया था सेट पे, भाभी जी के सेट पे। तो उन्होंने मुझे शशांक पाली सर जो डायरेक्टर हैं उनसे मिलवाया, और थोड़ी हाँ और थोड़ी सी तारीफ कर दी कि बहुत उम्दा अभिनेता है। तो शशांक सर ने अपने एसोसिएट अक्षय भाई, जो एसोसिएट डायरेक्टर हैं अक्षय पाटिल जी, उनको बोला कि इनका नंबर लीजिए। तो मैंने अपना नंबर दिया और मैं भी भूल गया। फिर एक महीना बाद वहाँ से कॉल आया, मुझे लगा एक दो दिन का काम होगा, ऐसा लगा मुझे कि एक दो दिन का काम होगा भाभी जी। मुझे पता नहीं था कि वो लोगों को इतना पसंद आएगा और कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि मैं 5-6 साल बाद कम बैक एक तरह से कहिए तो मैं मुंबई में किया था। बीच में आना जाना होता था, लेकिन मेरे पास रहने का कोई अपना ठिकाना नहीं था। किसी के पास 5 दिन 6 दिन 7 दिन इस तरह से रहते थे और फिर रांची चले जाते थे। 2015 से फिर मैं कंटिन्यू हूँ। फिर भाभी जी में मुझे रोल मिला और ये रोल लोगों को पसंद आया, और फिर मैं आपके सामने एक कंटिन्यूटी में आ गए। जी, तो ये जो आपका कैरेक्टर फेमस हो गया और ये जो आपका डायलॉग फेमस हो गया, तो यहाँ से आपकी जिंदगी में एक बड़ा बदलाव आया, आपकी पहचान भी बनी और लोगों का रिस्पांस भी बदला होगा। तो सही कह रहे हैं उसके आप। क्या क्या डिफरेंस आपको लग रहा था? सच बोलिए तो आजकल मैं गीता पढ़ रहा हूँ, गीता, भगवत गीता पढ़ रहा हूँ। हाँ जी। और ये जब मैं एनएसडी नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में था, तो आपको तो पता होगा एशिया महादेश का सबसे बड़ा एक्टिंग इंस्टीट्यूट है, पंकज त्रिपाठी जी हमारे बैच से ही हैं। तो जब मैं दिल्ली में थिएटर करता था, तो एनएसडी का क्या है ना, कुछ परमानेंट ऑडियंस होते हैं जो दिल्ली के हैं, 25 साल से 30 साल से देख रहे हो, हर नाटक देखते हैं। तो जब मैं दिल्ली गया था, तो वहाँ का जो परमानेंट ऑडियंस थे, वो बड़े बड़े साहित्यकार, पत्रकार और क्रिटिक बुद्धिजीवी लोग, वो लोग मेरा परफॉर्मेंस देख के कहते थे, अरे यार एनएसडी में बहुत दिन बाद इतना अच्छा अभिनेता आया है। तो भी मुझे कुछ नहीं लगता था कि हमको लग, तो भी कुछ नहीं लगता था। और वही बात गीता में श्री कृष्ण भगवान कहते हैं कि आप मान में, सम्मान में, संभव में रहो। तो मुझे ये सब बातें छूटती नहीं। नहीं, लेकिन लेकिन एक गीता की बात तो खैर अपनी जगह पे है, लेकिन अब आप बिजनेस में आ गए हैं, आप ग्लैमर की दुनिया में आ गए। यहाँ पे एक हर चीज की एक स्ट्रेटेजी होती है, एक इमेज बनती है। अब आज तक आपने जो भी काम किया बतौर एक्टर किया, ठीक है, लेकिन इत्तेफाक से जो पब्लिसिटी आपको मिली इस कैरेक्टर से और इस डायलॉग से, ये एक कॉमेडी वाला आपका स्ट्रक्चर बन गया, आपका फेस बन गया। तो लोग कहते हैं या अक्सर देखा गया है कि इंसान, कोई भी कैरेक्टर, कोई भी आर्टिस्ट, चाहे जैसा भी हो पर्सनली या उसकी कैपेसिटी कैसी भी हो, लेकिन जिस कैरेक्टर में वो पहली बार हिट हो जाता है,
90% लोग उसी कैरेक्टर में आपको अप्रोच कर रहे हैं। आप इस बारे में क्या कहते हैं? ये आप सही कह रहे हैं कि आप, लेकिन मेरे साथ ऐसा होता है कि जब मैं पहली बार नाटक किया था, सोचने के बाद, आपको बताया ना कि रांची में थिएटर तो सैया भाई कोतवाल किया था, तो उसका जो निर्देशक थे वो बोलते थे बेटा ऐसा ना जिंदगी में तुम कॉमेडी के अलावा कुछ नहीं कर पाएगा। अच्छा। और हाँ, लेकिन जब मैं राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय NSD में लास्ट प्ले किया था, लास्ट प्ले पता शहर मुंबई, विजय तेंदुलकर के दो नाटकों को मिला के, गिद्ध और बेबी को, तो उसमें मैं नेगेटिव रोल किया था। नेगेटिव रोल बहुत खूंखार विलेन का रोल था, तो वहाँ के जो प्रोफेसर हैं, जो हमारे सीनियर हैं, आशुतोष राणा 94 बैच के, तो उन्होंने दुश्मन में उनको नेशनल अवार्ड मिला था। तो उन्होंने, एक प्रोफेसर ने मुझे कहा NSD में कि बाबा तुमने जो इस नाटक में काम किया ना, वो आशुतोष ने जो दुश्मन में किया था उससे भी ऊपर का काम किया। वो खलनायक, और मैं 5 फीट 3 इंच का आदमी चॉकलेटी था, लेकिन जब मैं मंच पे आता था इतना खौफ होता था। तो मैं हर तरह का रोल करता हूँ, लोग मुझे चाहे जिस रूप में पहचाने। लेकिन अब जब आपकी पहचान एक कॉमेडी में बन गई, अब आपको लोग ज्यादा कॉमेडी में मुझे लगता है कि अप्रोच करते होंगे, ऐसा हो रहा है? ऐसा होता है, ऐसा हो रहा है, ऐसा ही होता है बॉलीवुड में ना। ऐसा ही, यहाँ तो ऐसा ही होता है, जो माल एक बार बिक गया वही माल खरीदने के लिए ग्राहक बार बार आते हैं आपके पास। अब जब लोग कॉमेडी के लिए आपको अप्रोच कर रहे हैं, तो क्या आप अपने काम को एक्सेप्ट कर रहे हैं या कुछ खास स्ट्रेटेजी बना रखा है? देखिए, जहाँ तक टीवी सीरियल का बात है, मैं भाभी जी के अलावा कोई सीरियल नहीं कर रहा हूँ, और करना भी संभव नहीं है मेरे लिए। दूसरे, अगर फिल्म में या वेब सीरीज में अच्छे बजट, अच्छे प्रोडक्शन हाउस, अच्छी कहानी का होगा कुछ, तो अवश्य करेंगे, बिल्कुल करेंगे। लेकिन सीरियल में क्या है कि भाभी जी काफी है मेरे लिए। तो सीरियल के लिए अब आप नहीं कर, बाहर नहीं कर रहा हूँ। और फिल्मों का क्या स्टेटस है? फिल्म अभी क्या है कि कास्टिंग डायरेक्टर्स के कॉल आते हैं, तो मैं लुक टेस्ट या ऑडिशन जो भी कहीं उसके लिए जाता हूँ। अगर कहीं कुछ अच्छा मिल गया तो करेंगे। एक बार कभी आप, चूंकि NSD के आप एक्टर हैं, और NSD वालों के बारे में ये धारणा है कि वेरिएशन उनके पास बहुत होता है, तो आप जब आप कॉमेडी में एक पॉपुलर फेस बन गए, और आपने अभी जैसा कहा कि विलन भी आप काफी अच्छा कर लेते हैं, तो कभी आप सोच के देखिएगा, उत्पल दत्त साहब जो थे वो कॉमेडी भी बहुत अच्छा करते थे, और जब विलन में आते थे तो बहुत खतरनाक हो जाते थे। लेकिन मेरे भी फेवरेट एक्टर हैं। लेकिन कई फिल्मों में ऐसा रहा है कि वो कॉमेडी करते करते कब नेगेटिव हो जाते थे, वो पब्लिक को भी नहीं पता चल रहा था। तो आप, मतलब क्या लगता है, कभी इस बारे में मतलब इंस्पायर हुए उनके काम को देख के, या कभी आपने कुछ सोचा? सही कर रहे हैं आप, ये तो आप एक्टिंग के मेथड पे बात कर रहे हैं। क्या होता है कि अभिनेता एक्टिंग करते करते अपने ना एक जोन से दूसरे जोन में हल्का सा स्लाइटली चला जाते हैं, उसको भी नहीं पता चलता है। आपकी जैसे जो शुद्धि जन होते हैं, जो बहुत पेन पॉइंट करके देखते हैं, उनको समझ में आता है ना, तो अभिनेता को पता चलता है ना, आम दर्शक को पता चलता है कि कब स्लिप कर गए थे थोड़ा। अगर मान लिया कोई प्रोड्यूसर या डायरेक्टर आपसे आपकी चॉइस पूछे, तो आप किस कैरेक्टर में या किस तरह के शेड में ज्यादा कंफर्टेबल रहेंगे? मुझे ग्रे शेड ज्यादा पसंद। ग्रे नेगेटिव रोल मुझे ज्यादा पसंद, और मुझे वैसा रोल पसंद है जो ना मेरी नींद उड़ा दे, प्रॉब्लम में डाल देकर, यार मैं कैसे करूंगा। जब मुझे इस तरह के रोल हमसे अपोजिट मिलते, जो जिस नाटक का मैं कर रहा था लास्ट प्ले जो था NSD में, अनुराधा कपूर मैम उसकी डायरेक्टर थी, तो जब मुझे वो उतना खतरनाक विलेन का रोल मिला, तो मैं 4-5 दिन तक मन ही मन हंसता रहा कर, यार मुझे क्या सोच के रोल दिए मैडम, मैं कितना आमिर खान साहब जैसा चॉकलेटी हीरो जैसा लगता हूँ, हाइट वेट भी वैसा ही, मैं कैसे विलेन बनूंगा। वो स्क्रिप्ट में डिस्क्रिप्शन है, 6 फीट का टकला आदमी, बाल ऐसा, मतलब अमरीश पुरी साहब जैसा, ऐसा खूंखार आदमी। लेकिन मैं सोचा कि टेरर क्रिएट करना है, तो टेरर क्रिएट किया मैंने। अभी जो सीरियल आप कर रहे हैं भाभी जी घर पे हैं, उसमें आपके कैरेक्टर के अलावा और कौन सा ऐसा कैरेक्टर है
जो आप करना चाहते अगर आपको मौका मिलता तो? फिर मैं श्रीमद् भागवत गीता पे आ जाऊंगा। मुझे जो मेरे थाली में जो होता है ना, मेरा फोकस और कंसंट्रेशन उसी पे होता है, किसके थाली में क्या प्रभु ने दिया है। लेकिन आप जिस इंडस्ट्री में हैं, उस इंडस्ट्री में अब ये रिवाज बड़ा कम हो गया है कि एक्टरों तक काम चल के आता है। लेकिन क्या है कि मैं अपने मास्टर के कैरेक्टर में खुश हूँ, और मैं इतना खुश हूँ कि उसके कैरेक्टर में झांक भी नहीं पाता हूँ। मैं उसके बारे में 24 आवर सोचता रहता हूँ कि और मैं उसमें क्या खेला कर सकता हूँ, और मैं क्या ऐड कर सकता हूँ, और क्या ऐसा करूँ कि पब्लिक को मजा आ जाए। अब फिल्मों की तरफ आपकी कोई कोशिश? मेरी कभी कोई कोशिश नहीं रही, क्योंकि मैं, मेरा ये पूरा मानना है कि कोई भी चीज तभी होगा जब उसको होना होगा। हमारे आपके कोशिश करने से कुछ भी नहीं होने वाला है। ईश्वर ने आपके हमारे आने के पहले हर आदमी का स्क्रिप्ट लिख रखा है मिनट टू मिनट, और मैं इसमें बिलीव करता हूँ। आप इसे मेरा भाग्यवादी होना समझिए या जो भी समझिए, लेकिन मैं मानता हूँ आपका मिनट टू मिनट प्रोग्राम तय है। जब जो होना होगा होगा, मैं मौज में रहता हूँ, लोग बुलाते हैं चला जाता हूँ। अभी जो लॉकडाउन का पीरियड चल रहा है, तो आप जिस तरह से आध्यात्मिक आदमी हैं, तो इस समय का इस्तेमाल आप कैसे कर रहे हैं? मैं तो पिछले 25-30 साल से एक्सरसाइज करता हूँ, इसलिए मैं अपनी उम्र से 20 साल कम भी लगता हूँ। सुबह 8 से 11, लगभग 8 से 11, जरूरी नहीं 8 बजे, कभी 7 बजे भी शुरू हो जाता हूँ। 3 घंटा योगा एक्सरसाइज करता हूँ, नाम का योगा है। योगा एक 3 घंटा थोड़ी होता है, योगा एक्सरसाइज, वॉइस एक्सरसाइज, माइंड एक्सरसाइज, ब्रीदिंग एक्सरसाइज, सो मेनी थिंग्स फॉर एक्टर, वो एक्टर के लिए। और मैं इतने साल थिएटर, 20-25 साल थिएटर करने के बाद, एनएसडी में ट्रेनिंग लेने के बाद, अपने लिए डिजाइन किया हूँ, क्योंकि हर मर्ज का एक दवा नहीं हो सकता, उसी तरह से हर एक्सरसाइज एक अभिनेता के लिए नहीं हो सकता। एक्टर एक्टर में अलग अलग प्रॉब्लम होता है, मेरे अंदर क्या प्रॉब्लम था, मैं उसके लिए अपना एक 3 घंटे का सीरीज बनाया हूँ, इस एक्सरसाइज से मेरा ये चीज सुधरेगा। तो मैं 3 घंटा एक्सरसाइज करता हूँ सुबह, उसके बाद गर्म पानी, नींबू, शहद पीता हूँ। उसके बाद मैं बोला ना, आजकल फिर से मैं गीता पढ़ रहा हूँ, भगवत गीता पढ़ रहा हूँ, बाकी टेलीविजन दिखता हूँ, मेरी 4 साल की बेटी है उसके साथ टाइम। आपका एनएसडी का भी आपका आपने स्टडी किया हुआ है, आप खुद भी प्रोफेसर हैं बिहार में, झारखंड में, और स्टूडेंट को आप एक्टिंग सिखाते हैं, तो अब जो एक्टिंग सिखाना आपने शुरू किया है और जो पहले आप सिखाते रहे हैं, तो उसमें कुछ, उस पैटर्न में कुछ बदलाव आपने लाया है, या कुछ जो आपके बम्बैया एक्सपीरियंस जो आपने सीखा है उसके, उसका कुछ इनपुट डाला है आपने अपने स्टडी में? बिल्कुल, अभी पहले मैं कुछ थिएटर के हिसाब से ज्यादा ट्रेनिंग देता था, और सच बोलिए जितने नए स्टूडेंट्स आते हैं कि मैं थिएटर करना चाहता हूँ, मैं ये करना चाहता हूँ सर, मैं क्रांति लाना चाहता हूँ, मैं बोलता हूँ भाई मैं भी एक टाइप पे क्रांति लाना चाहता था, सच बात तो यार। हाँ, तो उनको ना कैमरे पॉइंट ऑफ व्यू से भी समझाता हूँ। लोग कहते हैं सर थिएटर में एक्टिंग मुश्किल है या कैमरे करने, हमें भाई मुश्किल है हर जगह, आसान है तो हर जगह, सबकी अपने अपने। तो मैं उनको फिल्मों के हिसाब से भी एक्टिंग मतलब ट्रेड करने की कोशिश करता हूँ। आप बाहर से यानी बिहार से बम्बई में आकर के अब आपने अपनी एक पहचान बनाई है, तो आपको क्या लगता है कि बम्बई में जो स्ट्रगल होता है, जो अभी सुशांत सिंह के आत्महत्या के केस को चल रहा है, तो आपको क्या लगता है यहाँ लॉबीबाजी में आप फिट बैठेंगे या उससे आपका पाला पड़ेगा ही नहीं? मैं तो ईश्वर में विश्वास करता हूँ, और मैं इन सब चीजों से ऊपर उठ चुका हूँ, ये मैं मुंह से नहीं बोलता हूँ। मैं क्या लेके आया हूँ, मैं तो यहाँ तक भी नहीं सोचा था, जिस गांव में पैदा हुआ हूँ आज भी वहां जाता हूँ तो मोबाइल को बचा के यूज करता हूँ, कि लाइन नहीं आएगा तो मोबाइल मेरा ऑफ हो जाएगा। बिजली तो कहने से 20-25 साल से है, लेकिन मोबाइल भी चार्ज नहीं होता है, समझ रहे हैं? तो मैं वहां से, उस गांव से उठ के आपके सामने तक आ गया हूँ, मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। मैं हमेशा बहुत पॉजिटिव सोचता हूँ, मेरा क्या जाएगा, जाएगा तो बॉलीवुड को जाएगा, कि इतने महान टैलेंटेड एक्टर को नहीं पहचान पाएगा, मेरा क्या जाएगा। मैं गांव से आया था, किसान का बेटा हूँ, फिर गांव चला जाऊंगा, थिएटर करने लगूंगा, एक्टिंग पढ़ाने लगूंगा, मेरे पास तो लाखों ऑप्शन है। आप समझ रहे हैं सर मैं क्या कह रहा हूँ? आपकी जो सोच है और आपका जो विल पावर है,
इसको इस अब आने वाली पीढ़ी के लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? आने वाले पीढ़ी को यही संदेश देना चाहेंगे कि भाई बहुत धैर्य चाहिए, बहुत पेशेंस की जरूरत है। मुझे लोग बोलते हैं यार इतने साल से कर रहे हो अभी तक, हम ये भाई हम तो इतना भी नहीं सोचे थे, यहाँ तक पहुंच गए, बहुत बड़ी चीज है। आप समझ लो सर मैं क्या कह रहा हूँ। और सही बात पूरी दुनिया भी मिल जाए तो क्या, वो क्या गाना है ना देवानंद साहब की फिल्म का, जी। मैं लोकल ट्रेन बीएसटी बस में जाऊं या मर्सिडीज में जाऊं मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता सर, मैं तब भी वही रहूंगा जो अभी हूँ, तब भी रात में दो रोटी ही खा पाऊंगा ना जो अभी खाता हूँ। तो इतना हाय तौबा, इतना मचमच किस बात की मेरे भाई, क्या कर लेना चाहते हो, क्या नया कर लोगे, सब कुछ लोग करके बैठे हुए, कितना पैसा कमा लो, सही बात है। ये सब हाय तौबा से ऊपर उठो जो मैं उठ चुका हूँ। मेरे दोस्त लोग भी कहते हैं तुम हिमालय, हम यहाँ बस जाने ही वाले हैं। सही बात। हाँ चलिए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना समय दिया। आपका जो डायलॉग हिट हुआ है, एक बार अपने स्टाइल में हमारे दर्शक को सुना दीजिए। संस्कार नाम का चीज है। थैंक चलिए, फिर यू सर मिलते हैं धन्यवाद, शताब्दी न्यूज़ की तरफ से। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपको धन्यवाद। भी धन्यवाद।